बुखारी और मुस्लिम दोनों में अदीस है मौलाली रदी अल्लाह तलाम रवायत करते हैं कि इस्लाम ने काफिला रवाना किया और उसमें अमीर बनाया एक अंसारी सिबी को उनको अपने साथियों पर रास्ते में गुस्सा आया और गुस्सा इतना ज़्यादा आया कि उन्होंने कहा कि लकड़ियों का एक अलाओ जलाओ बहुत बड़ा और कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ हु क्योंकि मेरी तात रसुल्ला की तात है और रसुल्ला की तात अल्लाह की तात है क्योंकि बुखारी मुस्लिम में है जिसने मेरी इतात की जिसने मेरे बनाए हुए अमीर की इतात की उसने मेरी इतात की उस जिसने मेरी इतात की उसने अल्लाह की इतात की जिसने मेरे बनाए हुए किसी अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की तो अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं उस अंसारी साहबी ने कहा कि तुम सब के सब आग में कूद जाओ तो उन साहबा ने कहा हमने तो आग से बचने के लिए रसुल्ला का दामन पकड़ा था सल अला तू हमें फिर उसी आग में फेंक रहे हम तेरा हुक्म नहीं मानेंगे उन्होंने नहीं कहा कि जी आप तो सहाबाकर की तात नहीं करते हैं ठेक साहबी आपको एक मसला बता रहा है यह नहीं कहा उन्होंने और जब वापिस आए नबीर इस्लाम को शिकायत की उस अदीज में अल्फाज हैं कि भाई थोड़ी देर बाद जब आग ठंडी हुई तो उस साहबी का गुस्सा भी ठंडा हो गया हजूर के पास शिकायत आई तो आप सल्ला फरमाया कि अगर तुम उस आग में कूदते तो जाके सीधे जहनम की आग में निकलते क्योंकि वह सहाबी तुम्हें गलत तरफ लेके चल रहा था इसलिए ये लेके बुजुर्गों को और मुफ्तियों को और इमामों को लेके बैठे हुए हैं हम इमामों की कोई तोहन नहीं करते इमामों की तालीमत ही नहीं है कि वो इस किस्म की चीज़ें बताएं शाह देलवी ने हजरतलबागाह में सारे इमामों के खूस चार बड़े जो इमाम हैं इमाम मुनीफा इमाम मालिक शाफही रही महमूल् अजमैन वरदी अजमैन व आलिम्सल्लामाम अजमाइन के अकवाल नकल किए कि वो कहते हैं किताबो सन्नत को हजत मानो आज की डेट में अगर हम क्रिश्चियनिटी को कंडेम करते हैं तो ईसा ने मरियम की हम तोहिन नहीं करते उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप इस किस्म के अकीदे रखो तो इमामों की कहीं तालीमत यह नहीं थी साहब कराम देखें किस तरह इस चीज को लेते थे और फिर वो इम्प्लीमेंट करते थे